नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप लोग के प्यार की वजह से हमारे चैनल ने पूरे कर लिए 1000 सब्सक्राइबर। साथ ही यूट्यूब को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उन्होंने हमारे लिए कम्युनिटी टैब जो यूट्यूब में होता है वो इनेबल कर दिया है। आप भी इस टैब में हमसे जुड़ सकते हैं और अपने कुछ प्रश्न या सुझाव हमें भेज सकते हैं। तो इस बेहतरीन मौके पे हम आज से एक स्पेशल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी भाषा सीखते हैं, चाहे इंग्लिश सीखे, हिंदी सीखे, उर्दू सीखे या कोई भी भाषा सीखे, तो उसका जो पहला चीज होता है जो कि आपको जानना होता है वो जानना होता है अक्षर। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं लेटर। अगर आप लेटर समझते हैं, अगर आपको किसी भाषा का लेटर आता है तो आप बेहद आसानी से उस भाषा को पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अगर आप ग्रामेटिकली तरीके से पूरी चलेंगे तो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये क्लासेस जो है इंग्लिश की है तो मैं इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपको पता होगा इंग्लिश में टोटल जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26। ये सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो वो जान ले कि ए टू जेड तक के लेटर होते हैं, ए बी सी डी। ये आप शुरू में किसी छोटी बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप ए से जेड तक के जानते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए ए से लेके जेड तक की जो कलेक्शन होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट या फिर अबाकस भी बोलते हैं इसे। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं इसकी कैटेगरी के ऊपर। जैसा कि आपने सुना होगा कि ए टू जेड के बीच में टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो होते हैं वोवेल, ये आप जानते होंगे। तो यहीं से शुरू होती है इंग्लिश की ग्रामेटिक की पढ़ाई। देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल होता क्या, समझिए आप। सबसे पहले आप समझिए, हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ, व्यंजन और स्वर। एक्चुअली ये होता क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले आप जैसे आप हिंदी में अ आ से लेके पढ़ते हैं अह तक, तो इसे आप हिंदी के भाषा में स्वर कहते हैं। और क से लेके ख, ग से लेके यार अलावा छत्र ज्ञान तक जो पढ़ते हैं इसे आप व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या, देखिए स्वर का सीधा मतलब होता है सुर लगाना, या फिर ये आपको शब्द के बनाने में हेल्प करता है। जैसे आप देखिए, जैसे हमें लिखना है काम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लेते हैं क लेते हैं। सबसे पहले क क्या है, एक व्यंजन है, इसमें अब हम लगाते हैं स्वर। स्वर हमें कहाँ से मिलता है, अवा ही से ही तो उठाते हैं, स्वर यहीं से तो आता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आ लेते हैं। और उसके बाद हम जो अगला चैप्टर होता है वो करते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि यहाँ पे हम म लिखते हैं। इसी प्रकार से सभी भाषाओं में होता है, एक शब्द को बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए, उसे सुसज्जित करने के लिए वोवेल की जरूरत पड़ता है, यानी कि जो वोवेल होता है वो किसी भी भाषा का शोभा होता है। तो देख लीजिए उसी तरह से आप अगर वर्क लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी टोटल जो वोवेल होते हैं वो होते हैं 5, ए ई आई
ओ और यू, और इन्हीं को हेल्प से वहां भी तैयार होता है वर्ड यानी कि शब्द। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने भोवेल के रूप में क्या लिया है, ओ लिया है। ये बेहद आसान है और आप कहिए तो हिंदी से ज्यादा आसान है, क्योंकि आप हिंदी में टोटल आप कर पाएंगे 12 के 12 स्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आपका काम सिर्फ 5 वोवेल से चल जाएगा। लेकिन आप जो